सो फाइनली गाइज, मैंने ब्लैक क्लोवर की मांगा पूरी पढ़ ली है, तो मैं इस वाली वीडियो को अब चेकआउट कर सकता हूँ। वैसे यार मेरा कोई प्लान नहीं था, पर यार मैंने इसे थोड़ा सा देखा और मुझे लगा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वैसे तो मांगा पहले नहीं है, पर उसे पूरा मतलब बारी बारी से दिखाया है। इसमें फ़ाइट होने वाली है, लूसीफर वर्सेस आस्था वाली, और जितने भी कैप्टन्स हैं उनकी फ़ाइट है। तो गाइज़ इसमें मांगा के स्पॉइलर होंगे, अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ रखी है तो तुम इसे मत देखना। और इसका जो और ये तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा सीन क्लोवर के चैनल के ऊपर। सो गाइज 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। वैसे तुम बताना तुम्हें ये वाली फाइट कैसी लगी थी मांगा में? भाई जब भी एनिमेट होगी तो भाई क्रेजी होने वाली है ये। भाई मुझे लग रहा था कि गया यहाँ पे। और गाइज एक नोट करने वाली बात थी कि लूसीफेरो बस इस वाली फाइट में अपनी 50% पावर के साथ था, और इसमें भी क्या बोलते लूसीस उसकी मदद कर रहा था, मतलब आस्था की, टाइम चेंज करके, बाद में पता लगा था हमें। वरना भाई लूसीफेरो को नहीं हरा सकते थे, लूसीस नहीं हरा सकता था, बस आस्था ही एक वेपन था जो कि लूसीफेरो को हरा सकता था। ये तो गेट ओपन होने वाला सीन है ना, पहले वाला प्रेजेंस ऑफ डीमन किंग। वैसे कलर्ड मांगा पढ़ने में मजा आया यार, मैंने तो कलर्ड भी पढ़ी जितनी अवेलेबल थी। द प्रेजेंस ऑफ डेविल किंग, भाई मैं तो बस एनिमे के लिए एक्साइटेड हूँ। द ट्री ऑफ क्यूफलत, उसका पहले से प्लान था। वैसे तो डार्क ट्राइड को हरा दिया था इन्होंने, पर उसके थ्रू आ गया था ये। पूरी कोशिश की इन्होंने सील करने की, पर नहीं कर पाए। आई फाउंड कैप्टन यामी, ये वाला सीन बढ़िया था। आस्था यहाँ पे इसे स्लाइस करता है बीच से। इट्स गोना बी ओके, आस्था इज हियर। आस्था का डेविल यूनियन मोड, भाई एनिमे में भाई ये वाला जब मूवमेंट आएगा तो कितना बढ़िया होगा। इन सभी को लगा कि जीत गए भाई फाइनली, पर नहीं। ये सॉन्ग कौन सा है भाई पीछे लगा हुआ? कॉपीराइट तो नहीं आएगा मुझे? अभी भाई इसकी भी मिस्ट्री है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम भूल गया यार मैं, क्या नाम है इसका, इस वाले डेविल का? आस्टरोफ नहीं यार, भाई नाम मुझे इसका ही पता है, पर भाई मिस्ट्री है ये पूरा का पूरा। भाई मुझे लग रहा है ये एंड में लूसीस को भी बिट्रे कर देगा। लूसीफेरो इज हियर, इट्स हाफ फिनिश्ड। भाई मैं फुल पावर के साथ देखना चाहता था इसे वर्स को रिस्ट्रॉय करते हुए। ये वाला मूवमेंट भी भाई कितना खतरनाक होगा ना, आस्था के पास आ जाएगा एकदम से। लीबे को भी भाई बुरी तरह से मारा था इन दोनों को लूसीफेरो ने। नेक्स्ट भी कुछ नहीं कर पाया, क्या करेंगे भाई लूसीफेरो के सामने? ये भाई आराम से बैठा हुआ था, बस यही है जो लूसीफेरो को हरा सकता है। भाई मुझे ये वाला सीन काफी ज्यादा फनी लगा था, जब लूसीफर आस्था की स्वॉर्ड पकड़ता है ना, और उसके बाद भाई वो खुद ना आस्था की स्वॉर्ड के ऊपर ऐसे उंगली चलाता है। भाई तुम स्वॉर्ड के ऊपर उंगली चलाओगे तो खून तो निकलेगा ही। फिर वो आस्था को मारता है कि बोलता तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ।
उसके साथ भाई बहुत बुरा होने वाला है, लिव ज़ायर के साथ। मैरी लियोना को भाई, मैरी लियोना काफी पावरफुल थी वैसे, ये वाला मूवमेंट भाई काफी डिसरिस्पेक्टफुल होने वाला है। पॉइंटलेस, काफी बंदों को ये वाली यार फाइट पसंद नहीं आई क्योंकि लूसीफेरो को नर्फ कर दिया ना इन्होंने इसलिए। पर वो यार इन्हें पता क्या करना चाहिए था, इन्हें दिखाना चाहिए था कि जो लूसियस है ना, जैसे इन्होंने बस बताया कि लूसियस ने टाइम चेंज किए, मतलब वापस किए, रिवर्स किया, इन्होंने दोबारा से फाइट की, जब तक कि आस्था जीता नहीं, मतलब आस्था वगैरह हारे भी, पर लूसीफेरो ने मतलब लूसियस ने टाइम लाइन ही चेंज कर दी, रिवर्स किया, फिर वो की मदद की, ऐसा ऐसा ही सीन था। पर उन्हें एनी मांगा में दिखाना चाहिए था, वो इन्होंने बस बताया ही हमें, वो दिखाते तो यार और मज़ा आता कि जैसे आस्था मर गया पर उससे रिवर्स कर दिया उसने टाइम, फिर दोबारा से आ गए, फिर से फाइट हुई, तब ज़्यादा मज़ा आता। मोमी मैरलियोना भाई, इसके लिए तो भाई सीजनल एनीमे चाहिए। हॉर्न काटता है ना इसका यहाँ पे, हाँ। और अब आता है इसे गुस्सा, यू पीस ऑफ शिट, ये मारा भाई आस्था को, ये मारा। सारे कैप्टन को मारा भाई बुरी तरह से, तो खुद भी सोचो अगर 100% होता तो क्या होता। मजे से बैठा है भाई यहाँ पे, इसका नाम इट्स हिम, अब इसकी बोलता है मदद करो मेरी। He's the cause. यूनो बचाता है ना इसे, हाँ। स्टार मैजिक, ये मुझे लगता है यूनो के भी स्टार मैजिक का काफ़ी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है, क्योंकि पहले स्टार मैजिक, क्योंकि स्टार ना अपनी पावर बढ़ाता है, जैसे वो पहले नॉर्मल स्टार होता है, उसके बाद वो अपनी एंड फेज में अगर ज़्यादा बड़ा होके वो आ जाए तो फिर वो बनता है न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है कई बार, या फिर वो ज़्यादा ही बड़ा हो तो वो अपने एक्सप्लोजन के बाद बनता है ब्लैक होल, और हो सकता है अपने यूनो के पास ब्लैक होल की पावर भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बैक स्टोरी, और गाइज मैंने चैनल पे वीडियो बनाई थी थोड़े दिन पहले कि ब्लैक क्लोवर का एपिसोड आने की, मतलब ब्लैक क्लोवर के नेक्स्ट सीजन आने की कोई रिलीज डेट है अभी या फिर नहीं, उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट की जो बैक स्टोरी है उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, उसे भी चेकआउट कर लेना। फ्लो ऑफ वर्ल्ड, मैरियोना का मैजिक बढ़ता जा रहा था, सीके द रियल एमवीपी ऑफ यार। माय बॉडी ब्रेकिंग अप, आप फुल माना में बदल जाए तो मर जाएगी। और जो लेटेस्ट चैप्टर आया था ना जिसमें इसकी मोरस के साथ फाइट हुई थी, तो उसके बाद हो सकता है कि मैरलियोना डेड है, क्योंकि उसमें कंफर्म हुआ था कि मैरलियोना की जो फुल बॉडी है वो माना में बदल चुकी है। तो RIP मैरलियोना, अगर नेक्स्ट एपिस मतलब कब आएगा यार, कौन सा महीना लगा, ये जुलाई है, जुलाई लगा ना, अगस्त 8 को नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, और हो सकता है हमें पता लग जाए कि मैरलियोना इज डेड। ये भी भाई आइकॉनिक सीन होने वाला है अगर एनिमेट हुआ कभी तो।
नेक्स्ट का डेविल यूनियन, वॉइस कैप्टन नेक्स्ट। ये सॉन्ग कौन से लगाए हैं भाई इसने, बढ़िया है। कैप्टन यामी भी आ गए। पूरी टीम आ चुकी थी यहां पे। टीम वर्क देखने में मजा आता है यार ब्लैक क्लोवर की फाइट में। इनकी भी बैक स्टोरी बढ़िया थी नेक्ट और मॉर्गन की। भाई म्यूजिक अपना यह हाइप में चला हुआ है। द ग्रिमवार, भाई तुम खुद ही इमेजिन करो अगर लूसीफर अपने 100% पावर के साथ होता और उसके पास ग्रिमवार होती तो खत्म भाई, यूनिवर्स एक टैप में खत्म था। और यामी की भी बॉडी चेंज हो चुकी है, हो सकता है यामी के पास भी डेविल की पावर आ जाए। उसके बाद हार्ट साइड डेविल का है। शैडो क्रिएशन कितना मजे आएगा इसे एनिमेशन में देखने में। अब आएगा इसे गुस्सा, एक दो सींग और काट देगा। I acknowledge you. भाई मुझे किसी ने बुलाया क्या, मुझे लगा। डेविल यूनियन, अब तो भाई लैंड ऑफ सन से पावर लेने के बाद इसका डेविल यूनियन और भी पावरफुल हो चुका है। थैंक्स फॉर अब इसे बोलता है ना हेल्प करो मेरी। ये जो पीछे वाला मांगा पहले था ना जिसमें लूसीफर आस्था की टांग तोड़ देता है, तो वही उसी थोड़े से सीन के बाद आस्था की टांग फिर से जुड़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि भाई लूसीफर ने टाइम रिवर्स किया था। लूसीफर ने मतलब लूसियस ने टाइम रिवर्स किया था। और अगर गाइस तुम्हें फुल वीडियो चाहिए होगी ना इस टाइम ट्रैवल के ऊपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बना दूंगा। ये तो मैंने ऐसे वीडियो चेकआउट कर ली क्योंकि मैं ब्लैक क्लोवर को मिस कर रहा था। लीबे का तो भाई बदला पूरा हो गया। लिचिता आज तक अभी यहां पे पता लग जाता है कि उसकी मोम यही है। Don't cry, Libe. I'll meet you. अभी पढ़ी है मैंने थोड़े दिन पहले, तो मुझे पता है क्या चला हुआ, मतलब याद है मुझे। बस उसका नाम भूल गया मैं, डेविल का। एडमलिक, हाँ भाई एडमलिक ऐसा नाम है मुझे। पंचीस पे पंचीस
क्या बड़ा स्केल स्केल होने वाला है इस फाइट का। 5 सेकेंड अंटिल, अच्छा केबल यूनियन को खत्म होने के लिए 5 सेकेंड बचे थे। I had a kid. बस खत्म होने वाला है लूसीफर थोड़े देर में। खत्म, दोनों हाथ काट देता है ना वो, हॉर्न भी काट देता है। खत्म, भागने की कोशिश करता है पर नहीं, नहीं जाने देंगे। चुनो आता है ना यहाँ पे, मादा जा नेवर गिव, क्या बोलता है आस्था, नेवर गिविंग अप इज माई मैजिक। नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे कोई नेक्स्ट टाइम नहीं, देर इज नो नेक्स्ट टाइम। योनो का स्टार मैजिक, काफी बंदे यार यूनो को हेट करते हैं, मुझे नहीं लगता यूनो को इतने हेट डिजर्व करता है। जय भाई लूसीफर खत्म। खत्म भाई, इतना ही था यहाँ पे तो, इसके बाद भी काफी चीजें हुई है। ब्रिलियंट, ये चाहता तो यहाँ पे आस्था वगैरह को मार सकता था पर नहीं मारा, शायद लूसीस का ऑर्डर था इसलिए। भाई नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल था द फ्लो इज कुछ था यार, क्या नाम था नेक्स्ट चैप्टर का, ऐसा ही था कुछ कि टाइम दोबारा से चलने लग पड़ा, इतना याद नहीं है मुझे, पर टाइम स्टॉप हो चुका था और जैसे फाइट खत्म हुई और वो फिर से चालू हो गया। और गाइस यार इसने और कोई वीडियो डाली नहीं क्या, काफी बढ़िया वीडियो डालता है ये बंदा। जैसे इसने ये भी डाली थी ब्लैक क्लोवर की जैक फाइनल स्लैश, यार इसे वो डालनी चाहिए मेरे, वो तो कूल फाइट बची यार, उसकी डाल देना भाई, लैंड ऑफ वन वाली वो भी बढ़िया थी। नहीं डाली है लैंड ऑफ वन वाली, ये देख रखी है मैंने। मैशली, मैशली की नहीं देखी यार, मुझे मैशली के स्पॉइलर नहीं चाहिए। सो गाइज अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर लेना, मैं यार ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो डालता रहता हूं और मेरा आगे प्लान था कि मैं और भी काफ़ी सारी वीडियो डालने वाला हूं, क्योंकि ब्लैक क्लोवर की एनीमे तो आ नहीं रही, मांगा ही चली हुई है तो उसकी ऑडियंस को कुछ तो देना चाहिए और मुझे भी व्यू आ जाएंगे। ये वाली वीडियो तो यार मैंने ऐसे ही डाल दी क्योंकि यार देखना चाहता था मैं इस वाली फ़ाइट को दोबारा से, बढ़िया फाइट है और गाइज एनीमे में जब आएगी तो भाई मैं तो इसे रिपीट पर देखने वाला हूँ। और गाइज यार आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लूसीफेरो और आस्था वाली फ़ाइट कैसी लगी, क्या आपको भी लगता है कि लूसीफेरो एक ऐसे ही नॉर्मल सा विलन था या फिर सच में बढ़िया था।